सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है या कोई भी हम कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डालते तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए ओके सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड तो बात करते हैं भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अब ये कोऑर्डिनेशन कहा होते है वर्ड आपने पहले भी सुन रखा है जैसे एक ग्रुप है वहां पर डांस परफॉर्मेंस हो रही है तो हम क्या कहते हैं सबके स्टेप्स कोऑर्डिनेटेड रहने चाहिए मतलब सब सेम स्टेप्स करो या सब आपस में देख लो कोऑर्डिनेशन ऐसा ना हो कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है ठीक है सो अब जब हम बॉडी की

This is known as कोऑर्डिनेशन ये होता है कोऑर्डिनेशन प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी टू कैरी आउट एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ सो ये जितने भी फंक्शंस है ये प्रॉपरली वर्क करते रहे इसके लिए प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड ठीक है सो अभी मैंने बात करी बेटा नर्वस सिस्टम की नर्वस सिस्टम होता क्या है इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें जो हमारी बॉडी में इतनी सारी नर्व्स हैं वो कनेक्टेड हैं ठीक है सो so, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते तीन हैं तीन मेन चीजें आती है इसमें हमारा ब्रेन क्योंकि आपको पता है कि भैया ब्रेन जो भी हम चीज कर रहे हैं जैसे लेट्स सपोज मुझे वॉक करना है ठीक है ब्रेन से कमांड आएगी तभी मैं वॉक कर पाऊंगी हमें कुछ हम पढ़ रहे हैं या एग्जाम लिख रहे हैं सो हमारे ब्रेन में चीजें फीड कर रखी है सो हम चीजें सोच पा रहे हैं और आंसर कर पा रहे हैं सो जो ब्रेन है वो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है वही हमारी बॉडी में सारे कमांड्स दे रहा है देन है स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे नर्व्स है ना बच्चे वो सारी हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे जाके पूरा एक बंडल सा बना लेती हैं अब स्पाइनल कॉर्ड कैसे कमांड देता है वो क्यों इतना नेसेसरी है अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स और भैया हमारी बॉडी में जो एक इतनी सारी नर्व्स हैं जो मैसेजेस कैरी करती हैं इधर से लेके उधर तक भैया कोई कमांड है तो वो ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचेंगी ये सब काम किसका है नर्व्स का काम है ठीक है नाउ दिस सिस्टम सेंस मैसेजेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन ब्रेन एंड दी बॉडी द ब्रेन इज वॉट कंट्रोल्स ऑल दी बॉडी फंक्शन ठीक है सो so, ये नर्व्स ही हैं जो मतलब ये सिस्टम बेसिकली है जो हेल्प करता है मैसेजेस को ट्रांसफर करने में बॉडी पार्ट्स से मैसेजेस ब्रेन तक जाएंगे ब्रेन से मैसेजेस सारे बॉडी पार्ट्स तक आएंगे भाई जैसे अगर मुझे हाथ भी उठाना है तो भैया यहाँ से कमांड आएगी तब मैं ला पाऊंगी मुझे कुछ भी करना है इफ आई एम राइटिंग अगेन ब्रेन कमांड देगा तभी हम कर पाएंगे सो so, ये सब हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ठीक है बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम अब इस नर्वस सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस है सो इट रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री एक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे तीन तरह के एक्शन होते हैं बट उस पर चलेंगे इन वॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं देखो वॉलेंटरी मतलब क्या जैसे अगर मुझे कुछ लिखना है या अगर मुझे ये पेन उठाना है ये मेरी विल है यूं पड़ा रहेगा ऐसा नहीं है कि भैया अपने आप ऐसे आके यूं उठ जाएगा मुझे उठाना है या नहीं मेरी मर्जी है वॉलेंटरी है वो ठीक है इनवॉलेंटरी है वो एक्शन जिसमें आपका कोई भैया बस नहीं चलेगा जैसे आप कमांड नहीं दे रहे आप बैठ के नहीं सोच रहे दिल को धक धक कर भाई धक धक कर बीट कर बीट कर हमारा कोई लेना देना है वो एक इन रिएक्शन है वो होता ही रहेगा सांस लेना सांस छोड़ना एक इनवॉलेंटरी एक्शन है वो होता ही रहेगा हमारे अंदर डाइजेशन हो या रेस्पिरेशन हो ये सब हमारे लिए इन वॉल्ट्री एक्शन होते ही रहेंगे विदाउट विल सो इट इन वॉलेंट्री एक्शन एक्शन विच आर नॉट कंट्रोल बाय विल ऐसा नहीं है भाई हम डिसाइड कर भी बोल लेंगे नहीं मुझे ना अपनी दस सेकंड दिल की धड़कन रोकनी है यू कैन डू दैट है ना वो पॉसिबल नहीं है उसके बाद इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स वॉलेंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज जैसे भाई मुझे ये पेन उठाना है मुझे वॉक करना है मुझे रनिंग करनी है ये सब भी कौन कमांड दे रहा है ब्रेन दे रहा है तो ये सारे फंक्शन वॉलेंटरी एक्शन जो है मसल के जो एक्शन है उनको भी वो रेगुलेट करता है देन इट एनेबल्स अस टू थिंक रीज़न एंड रिमेंबर कोई भी चीज़ हम सोच पाते हैं या कोई चीज़ याद रख पाते हैं या बैठे बैठे हम कुछ रीज़न uh, दे पाते हैं किसी चीज़ का तो वो सब इसी सिस्टम का फंक्शन है एंड इट कंट्रोल्स ऑल रिफ्लेक्स एक्शन इन आर बॉडी दस प्रोटेंट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम हार्म अभी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है सबसे अच्छा इसका, इसका एग्जाम्पल है मान लो भाई कि यहाँ पे मेरे पास इसमें पानी भरा हुआ था ठीक है नाउ द मूवमेंट आई टच इट एकदम से हाथ हट जाता है ऐसा नहीं होता कि मैंने इसको टच किया फिर ब्रेन तक सिग्नल गया ब्रेन ने सिग्नल दिया तब हम हटाते हैं सो so ये क्या है ये हमारा क्या होता है एकदम से गर्म चीज पे हाथ रखते हैं या जैसे पे कोई पिन सी है जैसे वो टच करेगी मैं हाथ डालूंगी तो ये हमारे होते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन जो एकदम से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो जाते हैं किसी स्टिमुलस की वजह से अब स्टिमुलस एक वर्ड है क्या मतलब होता है बेसिकली एनवायरमेंट में कोई चेंज जिससे हम ट्रिगर होके रिएक्ट करते हैं वो होता है स्टिमुल ठीक है चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अब हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम अब जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना वो दो तरह से हो सकता है वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको शॉर्ट में सी एन एस बोलते हैं एंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम शॉर्ट में पी एन एस बोलते हैं ना हो अब जो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना बच्चे इसमें दो चीज़ें आती हैं एक आता है हमारा ब्रेन एक आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड ठीक है एंड जब हम पी एन एस की बात करते हैं तो इसमें क्रैनियल नर्व्स होती हैं जो कहाँ से आती हैं ब्रेन से आती हैं एंड स्पाइनल नर्व्स होते हैं नाम से बजल रहा कहाँ से आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं ठीक है सो so, जब हम पेरीफेल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं इसमें हमारे पास नर्व्स का बात हो रही है जब हम सेंट्रल की बात करते हैं तो इसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं ठीक है बच्चे समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म respond एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द environment अराउंड them. हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका हम उससे हम रिएक्ट करते हैं जैसे एकदम से मान लो धूप पड़ी तो जैसे आप पे धूप पड़ी आपका ऐसे रिएक्शन होता है बहुत तेज धूप हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है सो तो हमारी बॉडी हर चीज़ पर रिएक्ट करती है क्या स्टिमुलिस पे या हम बोल सकते एक्सटर्नल चेंजेस पे ना द चेंजेस इन द इनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिजम रिस्पोंड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टीम्यली ठीक है ये भी मैंने पहले भी समझाया था ये वन वर्ड में ना बेसिकली डेफिनेशन वगैरह आपसे पूछ लेते हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए सच एज लाइट हो गया हीट हो गया कोल्ड हो गया साउंड स्मेल टच एटसेट्रा जैसे एकदम से अभी मैं पढ़ा रही हूँ सडनली बहुत तेज कोई डीजे बजा दे या बहुत तेज मान लो वॉल पे कोई ऐसे हैमर से हिट करे या ड्रिल करे तो कैसे लगता है कितनी जोर से शोर आ रहा है तो हम इन सब चीजों पर रिएक्ट करते हैं ठीक है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू बट इन डिफरेंट वे सो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो दोनों ही रिस्पोंड करते हैं बट दोनों के तरीके अलग-अलग होते हैं जैसे प्लांट की अगर हम बात करें तो उनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता हम एनिमल्स uh, की बात करें ह्यूमंस की बात करोगे सो so भैया हमारे पास प्रॉपर नर्वस सिस्टम है सब चीजों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है सो विद दिस हम अपने ये जो था ना ये तो समझ लो अभी मैंने अभी जितना आपको समझाया ये वो बोलते हैं ना कि मेन चीज आने से पहले का ट्रेलर था तो वो ट्रेलर था पिक्चर हमारी अब शुरू हो रही है द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज एनिमल्स नर्वस सिस्टम सो हम अच्छा यहाँ पे जब हम एनिमल्स बोलते हैं ना तो ये में सोते हैं जानवरों की बात हो रही है हम ह्यूमंस की बात हो रही है हम भी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं ओके सो एनिमल्स नर्वस सिस्टम नाउ एनिमल्स नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज नर्व सेल्स अब भैया हमारी बॉडी में ना नर्व सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरॉन्स सो so, ये जो है ना इस तरीके से होते हैं और ये एक न ऐसे मिलियंस में है हमारी पूरी बॉडी में यही है बेसिकली जो सारे मैसेजेस का आदान प्रदान होता है ना मतलब जितने हमारे मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं इन न्यूरॉन्स की वजह से ही हो रहे हैं ठीक है अब इसमें हमें तीन वैसे तो इसके देखो अगर हम लेबलिंग वगैरह पर जाए तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से आपको इसमें तीन चीजें याद रखनी है तो ये जो आपको ये ऊपर वाला ये पार्ट दिख रहा है ना बच्चे ये होती है सेल बॉडी इसको बोलते हैं सेल बॉडी एंड इसके अंदर ये जो गोल गोल सा दिख रहा है ये क्या होता है बेटा ये होता है हमारा न्यूक्लियस एंड ये जो आपको दिख रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सोन एंड यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना ऐसे 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 करके इनको बच्चे हम बोलते हैं डेंट्राइट्स एंड यहाँ पे ये हो गई हमारी नर्व एंडिंग भैया यहाँ पे ये न्यूरॉन हमारा

को हम बोलते हैं साइन एप सो इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरोन एंडिंग वन न्यूरोन की एंड डेंट्राइड ऑफ अदर न्यूरोन दूसरे का डेंटराइड आपस में मिल रहे हैं इनके बीच का जो गैप है दैट इज साइन ऐप्स ठीक है अभी फंक्शन वगैरह सब इसके पढ़ेंगे हर किसी का कुछ कुछ फंक्शन है उसको पढ़ेंगे उससे पहले हम बात कर रहे हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं ये हमारे बेसिकली जो ये हमारे नर्व न्यू हैं या नर्व सेल्स इनको बोल लो कुछ भी बोल लो ये हमारे कहाँ होते हैं ये हमारे जो नर्व सेल्स हैं ना बच्चे दे आर इन आर सेंस ऑर्गन याद है बिल्कुल बच्चे थे जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास भी ज़्यादा बोलते यार स्कूल टाइम में ही मतलब प्री स्कूल में ही हमें ही ये सिखा दिया गया था कि हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं कौन कौन से आईज हो गया नोज हो गए ईयर हो गए स्किन हो गया एंड टंग हो गई सो so, ये फाइव हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं इन्हीं सेंस ऑर्गन्स में हमारे ये रिसेप्टर्स होते हैं इनको रिसेप्टर्स बोलेंगे एंड यहाँ पे हमारे नर्व सेल्स होते हैं ठीक है सो ईयर so, जैसे अगर सबसे पहले ईयर की बात करें इट इट एक्ट एज फोनो रिसेप्टर्स याद रहेगा ईयर फोन ठीक है ईयर फोन ऐसे याद रखोगे सो so, इसको बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स रिसीविंग साउंड क्या काम होता है इसका जैसे अभी मैंने बोला एक्सटर्नल चीजों पे रिएक्ट करते हैं हम सो साउंड वाला जो है एकदम से तेज आवाज आने लगी कौन कौन रिसीवर कौन है उसका ईयर हमारे वो साउंड रिसीव करे सो हम हो गए ईयर हो गए हमारे रिसेप्टर्स मतलब ईयर पे जो हमारे नर्व सेल्स है वो इस जुमली पे रिएक्ट करते हैं रिसीविंग साउंड सो इट हेल्प्स इन हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी देन वी हैव आईज आईज इट एक्ट एज फोटो रिसेप्टर्स फोटो से याद रहेगा भाई कुछ भी देखते हैं कैसे देखते हैं पिक्चर कहाँ बनती है हमारी आईज की वजह से देख पाते ना तो फोटो रिसेप्टर्स रिसीविंग लाइट रिसीविंग लाइट क्यों बोला है क्योंकि भैया ये हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि जो लाइट है अगर वो हो नहीं होगी तो हमारी आंखें कुछ देख नहीं सकती जब रोशनी होती तो तभी तो कुछ देखेगा एक अंधेरे कमरे में आपको बंद कर दो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा चाहे आई साइट कितनी अच्छी हो है ना तो इट रिसीव लाइट इट हेल्प इन सीन देखने में हेल्प करते हैं भाई देन स्किन है हमारी इट एक्ट एज थर्मो रिसेप्टर थर्मो क्यों थर्मो कैसे याद रहेगा थर्मामीटर सो कोई भी चीज ठंडी है गर्म है बाहर ठंड है गर्मी है हमारी स्किन फील करती है वो चीज सो दे आर थर्मो रिसेप्टर फील्स इट एल्स इन फीलिंग हीट और कोल्ड और टच ठीक है कोई अब जैसे आपको टच करा तो भाई कैसे पता चलेगा किसी ने आके टच किया है हमारी स्किन से ओके okay? चलो आगे देखो बच्चे फोर्थ है हमारे पास नोज इट एक्ट एज ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर याद है जब हमने एसिड एंड बेसिस किया था उसमें जब हमने वो पढ़े थे जब जहाँ पे इंडिकेटर्स पढ़े थे उसमें एक आया था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो रिलेटेड था स्मेल से कि वो स्मेल चेंज करेगा पता चल जाएगा एसिड है या बेस है सो so, वहाँ से याद रहेगा ये जो नोज है ना इसका लेना देना है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स से सेंस ऑफ स्मेल कोई किसी भी चीज़ की स्मेल बहुत अच्छी है या कोई बहुत गंदी स्मेल आ रही है सब कैसे बचलता है नोज़ की वजह से हमें बचलता है इट हेल्प इन दी डिटेक्शन ऑफ द स्मेल देन लास्ट वी हैव टंग इट एक्ट एज गस्टेटरी रिसेप्टर सेंस ऑफ टेस्ट टेस्ट न टेस्ट इट हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट भाई किसी चीज़ का टेस्ट जैसे कुछ खाती बोलते ना बहुत मिर्ची है या ये तो खट्टा है या ये तो बहुत स्वाद है तो बहुत मीठा है सो so, जो भी टेस्ट है भाई टंग से पता चलते हैं हमारे ठीक है तो ये वाले हो गए हमारे गस्टिट्री रिसेप्टर्स अब हम बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन भाई इनके फंक्शन समझने से पहले हमें ये रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए था ठीक है अब हमने न्यूर पढ़ के आए हैं भूल तो नहीं गए भाई अभी बड़ा न्यूरॉन देखा था ना उसका स्ट्रक्चर याद कर लो एक बार ये हमारा न्यूरोन होता है आ जा ये न्यूरॉन होता है इसमें ये सेल बॉडी है ये इसका न्यूक्लियस है ये इसका एग्जॉन है ये नर्व एंडिंग है इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है ठीक है अब देखो जरा अब इसके फंक्शन पढ़ते हैं कि क्या फंक्शन है सो so, एक एक करके रीड करेंगे एंड देन मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको चलूंगी क्योंकि बच्चे अगर मैं सिर्फ ऐसे ओरली बोलती जाऊँगी बोलती जाऊँगी ना तो अभी तो आपको शायद सब समझ आ जाएगा लेकिन जब क्वेश्चन आंसर्स करने बैठोगे जब एग्जाम में आंसर लिखना होता है ना तब समझ में नहीं आता यार इसको लिखना कैसे पता तो है बट लिखना कैसे इसीलिए यहाँ पे नोट्स इस तरीके से होते हैं कि आपको पता रहे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करना है ठीक है सो सबसे पहले बात करते हैं द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स अभी पढ़ के आई है ना क्योंकि देखो को मैंने भी बताया कोई भी स्टिमली है उस पर हम रिएक्ट करते हैं सो so, ये रिसेप्टर्स ही तो मैं बताएंगी जैसे ये जो कान वाले कान में जो हमारा कान कानिक रिसेप्टर मतलब यहाँ पे जो हमारे नर्व सेल्स बैठे हैं वो साउंड पे रिएक्ट कर रहे हैं आईज लाइट पे रिएक्ट कर रही है स्किन टच पे या जो भी हमारा हॉट एंड कोल्ड है उस पर रिएक्ट कर रही है सो so, ये अलग अलग रिसेप्टर्स है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर इज़ एक्वायर्ड एट दी एंड ऑफ डेंट्रिक टिप सो यहाँ पे जो हमारे डेंट्रिकल हैं डेंट्राइड्स हैं उसकी जो टिप है वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है एज अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अभी हम जहाँ पे आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है अभी के लिए ऐसे समझ लो कि जैसी कोई फटाफट इंफॉमेशन आई कटैक करके इंफॉर्मेशन आई वो हो गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ठीक है जो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जितने भी हमारे रिसेप्टर्स है वहां पर न्यूरोन्स भरे हुए हैं एंड वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं जैसे कौन सी इंफॉर्मेशन के एकदम से बहुत तेज लाइट आ रही तो ये इंफॉर्मेशन पड़ी हमारे जो डेंट्राइट के टिप है वहां पे पड़ी एंड देन उसने उसको कन्वर्ट करा एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ठीक है नाउ दिस इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंट्राइड टू द सेल बॉडी एंड देन टू द एंड ऑफ द एग्जॉन अब क्या किया है भाई यहां से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी सेल बॉडी में देन जाती है ये एग्जॉन

इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैरी हो रहा था यहाँ पे आके इसने एक केमिकल रिलीज किया जिससे वो फर्दर इंफॉर्मेशन को आगे ट्रेवल होने के होते तो दीज केमिकल्स क्रॉस दी गैप पढ़ क्या है हम साइन एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो जैसे ही भाई आप क्योंकि गैप आ गया सो so यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स मान ऐसे ऐसे बिजली है कैसे भागती है गर्र करके भारेगी लेकिन जैसे ही तार काट दोगे तो वहीं पे बिजली रुक जाएगी ऐसे होता है तो यहाँ पे यही समझ लो कि एक न्यूरॉन पे गई एंड तक गई एंड वहां पे उसने केमिकल प्रोड्यूस किया केमिकल प्रोड्यूस करके जैसे ही वो सेकंड न्यूरोन पे फिर से वो इलेक्ट्रिसिटी उसको एक तरह से मिल गई एंड वो चलने लगे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ठीक है उसने बिजली टहर रही है हमारी अंदर ठीक है so, सो सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन डेंट्राइज ऑफ फॉर नेक्स्ट द्यूर इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है द सिमिलर साइना फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरोन्स टू अदर सेल्स सो ये ऐसे न्यूरोन से कैरी करते करते हमारे अलग अलग सेल्स तक जाते हैं चाहे वो मसल सेल्स हो या हमारी ग्लैंड हो तो वहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाती है ठीक है समझ में आ गया चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा आगे हम बात करते हैं वॉट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्शन एक्शन अभी हमने बात करी वो बेसिकली हमारे होते हैं सडन रिएक्शन या सडन एक्शन जैसे मैंने आपको बताया किसी गर्म चीज़ को आप हाथ लगाते हो एंड बस हाथ लगता ही है एंड यू जस्ट रिमूव योर हैंड ऐसा नहीं है कि वो हाथ जाएगा वेट करोगे पूरे ब्रेन से आएगी इन्फॉर्मेशन तब आप आराम से हटाओगे ऐसा नहीं है हम इमीजिएटली हटा देते हैं या अगर कोई पिन चुकते तो इमीजिएटली हाथ को हटा लेते हैं ये सब होते हैं हमारे रिफ्लेक्स एक्शन ठीक है सो वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन सो हम अब किसी कंट्रोल में जैसे किसी ने आपको कुछ बोला

समझ में आ गया एंड मैं बार बार बोल रही हूं कि रिफ्लेक्स एक्शन में में बेटा थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती सो so, इस केस में क्या होता है कि जो हमारा इसका रिएक्शन होता है ना ये ब्रेन से नहीं आता ये स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं मैंने कहा था ना अभी आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंस क्या है सो so, इसमें क्या होता है जैसे स्टिमुलस स्टिमुलस क्या हो गया क्या चेंज है कोई चीज आपको गर्म लगी हीट है हमारा स्टिमुलस यहाँ पे सो so, किसको फील होगी हीट स्किन को जैसे आपने हाथ लगाया तो ये स्किन नहीं है, वो ही है वही बता पा रही कि भाई गर्म चीज है ये सो so, स्किन को आप स्किन ने मैसेज कहाँ पहुंचाया स्पाइनल कॉर्ड पे ब्रेन तक तो गया ही नहीं ब्रेन से क्योंकि अगर देखो कोई भी चीज़ जब ब्रेन रिस्पॉन्स करते ना तो कुछ सेकेंड्स तो लगते हैं उसमें ठीक है कि ब्रेन से बुरा मैसेज आएगा कि भाई ये करो ठीक है जैसे अगर मुझे भागना है ऐसा नहीं कि मैं अंदाधूर भागने भागने लग गई ठीक है कुछ सेकेंड से लेंगे अब रनिंग करनी है एंड चलो क्यों ब्रेन से मैसेज आया मसल्स को कि चल बेटा भागना है ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या है मैसेज कहाँ से आता है स्पाइनल कॉर्ड से आता है सो so, हीट हमारा स्टिमुलस था स्किन ने फील किया ये हमारा रिसेप्टर हो गया एंड उसने मैसेज पहुंचाया स्पाइनल कॉर्ड पे स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड ने सीधा कमांड दे दी मसल को क्यों मसल को भैया मसल का क्या लेना देना भाई अगर हाथ को ऐसे रिमूव करो क्या है मसल का मूवमेंट हो रहा है तभी तो हाथ मूव हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन गई स्पाइनल कॉर्ड के पास स्पाइनल कॉर्ड ने मसल वाले को बोला हट जा बेटा फटाफट फड़। सो so, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का काम है ठीक है so, सो यहाँ से मसल्स का हुआ एंड मसल्स में हमने क्या किया अपना हैंड कर लिया अब ये जो पूरा आपका यहाँ पे पाथवे चला है ना बहुत बड़ा नहीं है ठीक है क्योंकि आपको पता है कितनी इमेजिन कर ही सकते हो गर्म चीज को हाथ लगाया कितनी जल्दी हाथ लाते हैं सो so, ये जो आपका पाथवे है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क सो द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्लेक्स आक ठीक है डन चलो आप एक बार इसको थोड़ा सा फिगर में देख लेते हैं जैसे कोई गर्म चीज़ है यहाँ पे ठीक है जैसे ये हीट है यहाँ पे फील हुई आपके स्किन को इसने कहाँ भागा ये मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड तक ही गया था एंड यहाँ से उसने कमांड दे दी मसल को एंड मसल ने मूव करा और हाथ हट गया अब आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट ऊपर क्यों जा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं होता भाई को गर्म चीज़ को हाथ लगा हट गया ब्रेन को पता ही नहीं चला ब्रेन को पता तो है भाई मैंने गरम चीज हाथ लगाई थी इससे जल्दी हाथ अट गया सो मैसेज जाता है ब्रेन तक लेकिन ब्रेन को रिस्पॉन्ड नहीं करना था ब्रेन का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जब हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं सो so, ये हमारा रिस्पॉन्ड कौन कर देता है स्पाइनल कॉर्ड ठीक है चलो अब ये स्पाइनल कॉडी क्यों भाई हमारी बॉडी में इतने ऑर्गन है इसने क्या ऐसा खास किया मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि जो हमारी नर्व्स हैं पूरी बॉडी की आंखें कहाँ मिल रही है स्पाइनल कॉर्ड पे ऑन देयर वे टू ब्रेन ब्रेन पे जाने से पहले इसलिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है हमने पढ़ा था ना भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ठीक है ना एंड बाकी नर्व्स वगैरह भी चलो आगे बढ़ते हैं बेटा नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन अब कभी कभी ना ये क्वेश्चन आए थे कि क्या नीड है अगर जैसे भैया कितनी कमांड्स है मुझे पेन उठाना है मुझे वॉक करना है मुझे रन करना है मुझे पढ़ाना है मुझे कुछ बोलना है सारी कमांड्स कहाँ से हो रही है ब्रेन से हो रही है और ऐसा तो नहीं है भाई ये पेन पढ़े मुझे पेन उठाना है अब ब्रेन प्रोसेस कर रहा है और दो मिनट बाद मैं उठाऊंगी ऐसा तो नहीं होता जैसे मुझे पेन उठाना है उठा लिया मैंने ये देख के भी ऐसा लगेगा गया कि अरे तो जल्दी हो गया ब्रेन भी तो इतनी जल्दी कमांड दे पा रहा है लेकिन रिफ्लेक्स की फिर नीड क्या है क्योंकि अगर हमारा अगर देखो कुछ टाइम तो लगता है ब्रेन को अगर वो मैसेज ब्रेन से पूरा आएगा मान लो हाथ रखा एंड ब्रेन जितनी देर में देगा ना उतनी देर में आपका हाथ जल जाएगा इस इस चीज में ये होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना वो हमारी बॉडी को हार्म होने से बचाता है सो इन सब सब सिचुएशन सच एज टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट पिंचिंग एटसेट्रा We need to act quickly, otherwise our body would be harmed. Here response is generated from spinal cord instead of brain. In this way, time for taking action is reduced, which save us from injury. theek hai samajh mein आ गया? क्योंकि brain जो है वो थोड़ा सा हम मान रहे हैं कि ज़्यादा time लगाएगा. Spinal cord जल्दी से reaction दे देते हैं, इससे reflex action के time में spinal cord की बात सुन लेते हैं हम. ठीक है? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा. Osionfish. आगे है हमारे पास टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज तो हमने देखा तीन तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं एक होता है वॉल्टरी जो कि हमारे अपने कंट्रोल में होता है कौन इसको कंट्रोल करता है हमारा फोर ब्रेन अभी हम जाएंगे मतलब जाएंगे मतलब ब्रेन के टॉपिक पे जाएंगे एंड उसमें डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन होता है मिड ब्रेन होता है ब्रेन होता है सो इस पे जाएंगे अभी के लिए याद रखना आपको कि जो हमारे वॉलेंटरी एक्शन है वो फोर ब्रेन होता है जो वो कंट्रोल करता है जैसे बात करना लिखना भागना चलना ये सब हमारे वॉलेंटरी एक्शन हम अपनी मर्जी से अपनी विल से कर रहे हैं देन इन वॉलेंटरी एक्शन इन वॉलेंटरी एक्शन कौन से हो गए पहली बात तो इनको कौन कंट्रोल करता है मिड एंड हिंड ब्रेन सो ये वाला ब्रेन का पार्ट है जो कंट्रोल करता है जैसे हार्ट बीट है वॉमिटिंग है रेस्पिरेशन है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ये, ये होती ही रहेगी ठीक है ये इनवॉलेंटरी है ठीक है देन है रिफ्लेक्स जो कि कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड अभी पूरा टॉपिक कवर करके है स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है जैसे विड्रॉवल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट ठीक है सो so, ये यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन निकलता है एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड ठीक है चल आगे बढ़ जाते हैं बेटा आगे है हमारे पास इज रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अब देखो मैंने आपको जब डायग्राम था तो वहां पे समझाया था देखो अगर एग्जाम में आता है ना तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता लेकिन मैसेज ब्रेन तक भी जाता है ब्रेन को पता चलता है कि ये मूवमेंट हुआ है या ये काम करा गया है ठीक है सो ऑब्वियसली नॉट सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ़ नर्वस विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट तो स्माइल स्पाइनल कॉड क्या करिए वो एक्शन तो उस टाइम पर ले रही है लेकिन मैसेज ब्रेन तक भी पहुँचा रही है कि सो दैट मीन्स बाई मैसेज जो है वो ब्रेन तक भी जाता है जब भी कोई रिफ्लेक्स एक्शन होता है कमांड हमें स्पाइनल कॉड से मिलती है बट द मैसेज ट्रेवल्स टू द ब्रेन ऑल्सो ठीक है नाउ थिंकिंग इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन दीज आर कंसनट्रेटेड इन द ब्रेन च इज दिन कॉर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी सो हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तब भी हमने पढ़ा था कि जो ब्रेन होता है दैट इज दी जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्डिनेटिंग ऑर्गन है सब चीजों को कॉर्डिनेट करने में सो so, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट ह्यूमन ब्रेन ठीक है सो भाई इस तरीके से कुछ हमारा ब्रेन दिखता है एंड ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है वन इज फोर ब्रेन द अदर इज मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन ठीक है सो ब्रेन इज द मेन कॉर्डिनेटिंग सेंटर याद रखना है मेन कॉर्डिनेटिंग सेंटर जब भी अगर वन वर्ड में आपसे असन रीजनिंग में या एम सी क्यू में पूछ लें तो भैया मेन कॉर्डिनेटिंग ऑर्गन या मेन कॉर्डिनेटिंग सेंटर हमारा ब्रेन होता है ऑफ द बॉडी एंड इट हेज थ्री पार्ट कौन कौन से भाई फोर ब्रेन नाम से पता चल रहा है फोर ब्रेन मतलब फ्रंट वाला पार्ट मिड ब्रेन मतलब मिडल वाला पार्ट एंड हिंड ब्रेन मतलब लोअर पार्टो मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ अच्छे से ये एक डायग्राम है इसमें जो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो बच्चे दिस इज फोर ब्रेन एंड देन ये जो मिडल वाला पार्ट है दिस इज मिड ब्रेन एंड ये जो नीचे वाला आपको पार्ट दिख रहा है ये पूरा ये जो पर्पल कलर है कलर से यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा हिंड ब्रेन है ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये ये और जो पिंक वाला पार्ट है दैट इज फोर ब्रेन ठीक है चलो अब एक एक करके भाई इनके बारे में इनके फंक्शन कौन सा मेन ऑर्गन्स होते हैं इसमें वो सब हम डिस्कस करते हैं जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फोर ब्रेन की तो हमने यहाँ पे मिड वाला और वो वाला पार्ट लिया सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट है सो इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज पार्ट ऑफ द ब्रेन आपको देख के ही लग रहा है कैसे ऐसे घूम घूम के घूम घूम के ऐसे बना हुआ ऐसा स्ट्रक्चर देख के बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है इट कंसिस्ट ऑफ ये जो आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर ये हमारा सेरिब्रम so कैसे याद रखोगे सेरिब्रम मतलब ड्रम से रिलेट कर लेना ड्रम जैसा है तो ये सेरिब्रम है ठीक है नाउ आर द फंक्शंस क्या फंक्शंस है जो फोर ब्रेन पर करता है थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन जो भी थिंकिंग का प्रोसेस होता है जो हम जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत ओवर थिंक करते हैं सो वो बेचारे अपने सरी भ्रम से ही सारी थिंकिंग का पार्ट करा जाता है ठीक है एंड देन जितने भी हमारे वॉलेंटरी एक्शन है वो भी क्योंकि थिंकिंग का पार्ट ये कर रहा है वॉक करना है राइड करना है डांस करना है खेलना कूदना जो भी करना है ये सारे एक्शन कहाँ से आए ये सारे एक्शन कौन, कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे सारे वॉलेंटरी एक्शन यही हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है स्टोर इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपकी मेमोरी है ना बचपन में मेरे साथ ऐसे हुआ ये चैप्टर याद किया था कल मुझे ऐसे बोल दिया था

मतलब जो हमें पता चलता ना यार अब बहुत भूख लग रही है या बस अब पेट भर गया और नहीं खाया जाएगा ये भी कौन बताता है हमारा फोर ब्रेन ही बताता है हमें ठीक है तो याद रखना है ये सारे फंक्शंस हो गए इसके अब हम बात करते हैं कंट्रोल दी वॉलेंटरी एक्शन सो अभी जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट में तो मैंने आपको समझा दिया कि वो वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है बट इसके बेस कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है सो so, हम उसको कैसे लिखेंगे क्या पूरा प्रोसेस होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इट हैज रीजन विच रिसीव सेंसरी इंपल्सिस सो जितनी सेंसरी इंपल्सिस है ये रिसीव करता है फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स पता है ना हमने पढ़े थे हमारे सेंस ऑर्गन और्ग, हमारे बेसिकली वहाँ पे नर्व सेल्स होते हैं वो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं सो so, वहाँ से आती है हमारे पास परेट एरिया ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज फॉर हियरिंग स्मेल की इंफॉर्मेशन इधर यहां पे आएगी साइट की यहां पे आएगी एंड साउंड की यहां पे आएगी देन देयर आर सेपरेट एरिया ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रिएटेड अब इंटरप्रिटेट करा जाता है भाई जो भी इंफॉर्मेशन आई है क्या बोल रहे हैं जैसे होते हैं ना भाई ये इंफॉर्मेशन तो आगे क्या कहना चाह रहे हो सो वो इंटरप्रेट कहाँ होती है उस स्पेशलाइज एरिया में होती है बाई पुटिंग गेट टूगेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एज वेल एज

मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स फॉर एग्जाम्पल्स आर लेग मसल्स या हैंड मसल्स या कोई भी है सो so, ये सारी वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सोच के फिर क्या कमांड करना है क्या रिस्पॉन्स देना है वो कहाँ तक मसल्स तक पहुँचाएगा जैसे पैर अगर उठा के रखना है रन करना है हाथ उठाना है मूव करना है बट आप ये सोचो कि इसकी स्पीड जैसे मैं बात कर रही हूँ और ये एक्सप्लेन कर रही हूँ जैसा लग रहा है कितना बड़ा प्रोसेस है कि यहाँ से मैसेज जाएगा फिर ब्रेन इसको इंटरप्रेट करेगा ये सब होगा ये सब होगा ये लंबा प्रोसेस

रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक की बात हो रही है वैसे हमने देखा था जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारा वो स्पाइनल कॉर्ड से और जब हम इनवॉलेंट्री एक्शन की बात कर रहे हैं तो मिड ब्रेन में हम बात कर रहे हैं प्यूपल के साइज कम होने के बढ़ने की क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे ना बच्चे हिंड ब्रेन में यहां पे भी वॉलेंट्री आएगा देखो कैसे इनवॉलेंट्री सॉरी आएगा इट हैज थ्री पार्ट अब ये जो हमारा हिंड ब्रेन है इसके तीन पार्ट है, ये जो साइड पे ये दिख रहा है ना दिस इज सेम दिस इज ये जो ऊपर वाला था क्या पढ़ा था हमने बच्चे ड्रम से रिलेट करने को बोला था सरीब्रम दिस इज एंड देन यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड पॉन्स यहाँ वाला जो का, पा, पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेडुला तो ये तीन पार्ट्स हमारे मेडुला पॉन्स एंड सेरीबेम इससे सेलम इससे हमारा बनता है ंड ब्रेन ठीक है चलो अब क्या क्या काम होते हैं जब भी सेरिबेलम की बात होगी तो हमारी बॉडी का पॉस्चर मेंटेन करना ऐसा नहीं कि भाई खड़े खड़े झूलते रहते हैं बैलेंस है रहता। जब आप खड़े होते हो आप बैलेंस करके खड़े होते हो तो सो वो पॉस्चर वो बैलेंस कौन मेंटेन करता है कौन कंट्रोल करता है हमारा सेरिबल कंट्रोल पॉस्चर एंड बैलेंस प्रिसेशन ऑफ वॉलेंटरी एक्शन और जो वॉलेंटरी एक्शन होते हैं हमारे जैसे पेन पिक करना राइटनिंग या जैसे मैं कितनी बार एग्जाम्पल देती हूँ रनिंग करना उठना बैठना ये सब

तो कौन से अभी हमने जो उसमें देखा जो हमारा मिड ब्रेन था उसमें इनवॉलेंटरी कौन सा था साइज ऑफ पीपल चेंज होना यहाँ पे जो इनवॉलेंटरी है उसमें है ब्लड प्रेशर हमारा सेलिवेशन एंड वॉमिटिंग वॉमिटिंग तो पता नहीं एकदम से यू गेट एन अर्स टू वॉमिट एंड वो वॉलेंटरी नहीं होता कि भैया बैठे हैं चल यार वमिटिंग करते हैं ऐसा नहीं होता वो एक इन वॉलेंटरी एक्शन है सिमिलरली हमारे मुंह में आप देखोगे वो जो सलाइवा है वो जो सारा बनता रहता है कभी कभी सुनाओ का बहुत जैसे एकदम से टेस्टी खाना देख के मुंह में पानी आ गया सो so, वो भी नेचुरल है सेलिवेशन होना दैट इज नैचुरल ये सारे हमारे इन वॉलेंटरी है एंड ये तो हो गया मेडोलर का काम अब कॉन्स की अगर बात करें सो इनवॉलेंटरी एक्शन बट डिफरेंट लाइक रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन अब ये जो पॉन्स है ये भी हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन में इन्वॉल्व लेकिन किस में जब ये आया बच्चे आपको कैसे याद रखना है जब पॉन्स आया तो रेस्पिरेशन की बात हुई जब मेडुला की बात कर रहे थे तो ये वॉमिटिंग सेलिवेशन और हमारे ब्लड प्रेशर की बात हुई ठीक है तो बीपी की बात हुई की बात हुई एंड एक और चीज कहती क्या की बात हुई एंड जब हमने अभी बात कर रहे थे हमारा जो मिड ब्रेन है उसमें इनवॉलेंट्री कौन सा साइज ऑफ पीपल वगैरह एंड हमारे रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स मूवमेंट वाला ये था ठीक आ जा जा ये हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक और चेंज इन पीपल साइज तो ये ध्यान रखना है क्योंकि इन चीजों में कंफ्यूज हो जाता है इनवॉलेंट्री हमें याद तो याद कर लेते हैं कि ठीक है ये इसका काम है उसका काम है जहां पे यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं ठीक है तीनों में वो इनवैलेंटली आ रहा है बट अलग-अलग तरह के ठीक है चलो अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा आगे देखते हैं हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड अब भैया ये जो हमारी चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो या ये ब्रेन हो ये इसको प्रोटेक्ट कौन करता है क्योंकि भैया बहुत मेजर काम है इनके पास ब्रेन के पास सारा थिंकिंग वगैरह का स्पाइनल पे आके सारी नर्व्स कनेक्ट हो रही है उसको भी कमांड दे रही है सो तो इनको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं सो तो जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर और डरना मती देख के ठीक है ये जो स्कल होता है स्कल का जो ये वाला पार्ट होता है ना बेटा ये समझ लो एक स्कल तो मतलब इमेजिन कर सकते हो कितना हार्ड होगा ठीक है सो एक बोनी केज सा

सो so, इस पार्ट को हम क्रैनियम बोलते हैं क्रैनियम ऑल्सो कंटेन्स अ फ्लूइड फील्ड इन दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड इंजरी सो so, यहाँ पे एक फ्लूइड और ये फ्लूड क्या काम करता है हमें कोई मैकेनिकल शॉक या ऐसी इंजरी से बचाता है हमारे ब्रेन को नाउ इसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम ठीक है सो अगेन ये भी बोन्स का बना होता है इस तरीके से जैसे जब हम टच करते हैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड तो बड़ी हार्ड हार्ड फील होती है क्यों फील होती है है तो उसमें सारी नर्व लेकिन ये जो उसका एक स्ट्रक्चर है ये बोन का इसको बच्चे हम बोलते हैं वर्टिकल क्यों यहाँ पे क्योंकि वर्टिकल होती है ना यहाँ से याद रखोगे वर्टिब्रल कॉलम सो so, वर्टिकल होती है इसलिए कॉलम भी इसी के लिए होता है होते ये रो होती है ये कॉलम होता है सो so, उससे आपको ये याद रहेगा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हाउ डस नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन

बासी मैसेज वापस आ रहे लेकिन आपकी मसल्स मूव कर पा रही हैं सो so, वो कनेक्शन क्या है सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू सो अब हम डिस्कस करें कि इस नर्वस टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है नाउ व्हेन अ नर्व इंपल्स रीचेस द मसल द मसल फाइबर मस्ट मूव अब वो कह रहे हैं कि जो नर्व इंपल्स है जैसे जो भी मैसेज लेके आ रही है वो जब मसल तक पहुंचता है सो so उस मसल फाइबर को मूव करना पड़ता है द मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन अब क्या होता है मसल जैसे ये मूवमेंट कैसा होता है वो जो मसल फाइबर है वो अपने शेप चेंज करते हैं जैसे भाई अगर ये ऐसे है मान लो अभी जैसे मेरा हाथ ऐसे है तो मसल फाइबर मान लो ऐसे है अब वो अगर मुझे इसको ऐसे करना है उसको अपनी शेप चेंज करके अपने आप को शॉर्टन करना पड़ेगा तभी मेरा ये हैंड का मूवमेंट हो पाएगा सो मसल सेल हैव स्पेशल दैट चेंज बोथ देयर शेप सो मसल सेल्स के पास अच्छा अपना स्पेशल प्रोटीन होता है जिससे वो शेप और अरेंजमेंट को चेंज कर सकती है किसके रिस्पांस में जो नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज उस पर पहुँचेगी उसकी वजह से वो अपना शेप को चेंज कर पाती है एंड व्हेन दिस हैपन्स न्यू अरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोटीन्स गिव मसल मसल सेल अ शॉर्टर फॉर्म ठीक है समझ में आ गई ये चीज़ चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे है हमारे पास अब जा बार बार आपने मैंने आपको बताया था ना अभी हम डिस्कस करेंगे बार बार वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे हमने बोला कि हाँ कोई भी एक्शन जाता है तो जैसे था ना, ना वो कैसे इन्फॉर्मेशन भागेगी एकदम से इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिलता है एंड देन वो जाता है देन एंडिंग होते हैं तो वहाँ पे वो केमिकल प्रोड्यूस करता है तो ये क्या है केमिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसको समझते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रेफर्स टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड बाय न्यूरॉन्स दैट अलाउ फॉर कम्युनिकेशन विद इन दी नर्वस सिस्टम सो भैया जैसे रिसेप्टर्स को जो इन पता चला कि धूप आ रही है गर्मी लग रही है ठंड लग रही है सो so, वो मैसेज ट्रांसफर करते हैं अभी मैसेज ट्रांसफर कैसे होता है इस इलेक्ट्रिकल इम्पल से सो नर्वस सिस्टम में जो मैसेज ट्रांसफर होता है इन ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स से ट्रांसफर होता है एंड देन सेल्स टिपिकली कम्युनिकेट यूजिंग केमिकल सिग्नल्स लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन सेल्स तक जानी होती है ना तो वो केमिकल सिग्नल्स होते हैं केमिकल सिग्नल्स क्या कौन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं बच्चे दे एक्ट एज केमिकल मैसेजर्स सो भैया जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में बोलो, हार्मोन्स बोलो हारमोन्स लो जो हार्मोन्स हैं वो रिएक्ट करते हैं वो हमारी केमिकल जो इंफॉर्मेशन है उसको इधर उधर पास करते हैं सेल्स में ठीक है नाउ द नर्वस सिस्टम यूजेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू सेंड मैसेज थ्रू न्यूरोन्स कैसे याद रखोगे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है बच्चे वो यूज करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरो की हेल्प से मैसेजेस को ट्रांसफर करने में वाइल एंडोक्राइन ग्लैंड ये जो ग्लैंड होते हैं ना ये बेसिकली आगे हमारे अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन में कौन कौन से हारमोन्स इंपॉर्टेंट है सो so, ये ग्लैंड हैं जो ये हारमोन्स को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है यूज हारमोन्स टू सेंड मैसेजेस टू दी टारगेट सेल थ्रू ब्लड स्ट्रीम सो भैया क्या याद रखना है हमें कि ये जो इलेक्ट्रिक एम्पल्स है ये हमारे बेसिकली जो न्यूरोन्स हैं वो मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यूज करते हैं लेकिन सेल्स में जो मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं वो कैसे होते हैं बाय केमिकल सिग्नल्स और केमिकल सिग्नल्स कैसे पास होते हैं थ्रू आर हार्मोन्स ठीक है सो so, वो हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं ग्लैंड से बट वो हम चैप्टर के जब एंड के पास पहुंच जाएंगे वहां डिस्कस करेंगे ना अब ये क्यों पढ़ाया है मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है भाई लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन या नर्वस सिस्टम अभी जो नर्वस सिस्टम है ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बेस्ड है उसकी कुछ लिमिटेशन है क्या लिमिटेशन है इलेक्ट्रिक इम्पल्स विल रीच ओनली टू दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो सेल्स तो आपके नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है वहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाएगा लेकिन जो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है वहाँ पे सेल्स पे इंफॉर्मेशन भी जाएगी वो कोई कमांड फॉलो ही नहीं कर पाएंगे इसीलिए ये हमारे केमिकल वाला जो है वो काम आता है आफ्टर ऑल्सो आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द सेल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर ट्रांसमिटिंग अनदर इम्पल्स अब कोई एक इम्पल्स उसने पूरा ट्रांसफर किया तो कुछ टाइम लेता है दूसरे इंपल्स को ट्रांसफर करने के लिए सो सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इंपल्स सो अगर हमारी पूरी बॉडी सिर्फ इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स पे ही हो, मतलब डिपेंडेंट हो जाएगी तो काम नहीं चलेगा क्योंकि उसको जो टाइम रिकवरी टाइम चाहिए ऐसे बॉडी ऐसे लैक कर करके अपनी बॉडी नहीं चला सकते ठीक है हमें वो फास्ट रिएक्शन चाहिए एक्शन और रिएक्शन तो इसीलिए ये केमिकल सिग्नल्स जो है वो हमारे लिए बेटर रहता है तो दोनों ही हमारी बॉडी में चलते रहती है ठीक है अब चलते हैं बेटा आगे

वो भी तो एक रिएक्शन है ना स्टिमुलस को सो so, प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं कोऑर्डिनेशन कैसे होता है so, body, muscles, ना तो इनके पास ना ही हम तो अपनी मसल मूव करके एक्शन कर पाते हैं सो so, ये एक्शन कैसे करते हैं ये कॉर्डिनेशन कैसे करते हैं सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट प्लांट में अब जो मूवमेंट है वही उनका रिएक्शन है स्टिमुलस को सो so, पे दो तरह के मूवमेंट होते हैं वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड वन इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ कुछ मूवमेंट है जो ग्रोथ की वजह से होते हैं एंड कुछ मूवमेंट है जो हो रहे हैं लेकिन उसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है एक एक करके डिस्कस करते हैं पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं प्लांट में जिसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है सो प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रिकलिकल उसमें पढ़ रहे थे हम इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी यूज कर रहे हैं और केमिकल सिग्नल्स भी यूज कर रहे हैं तो इनका मिला के एक ही नाम कर दिया कि प्लांट क्या यूज करते हैं दे यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल अब इसमें तो सेल्स ही हैं सो so, अपनी एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन कैसे जा रहे इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन से फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल चेंज देयर शेप चेंजिंग दी अमाउंट ऑफ है इन दम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल्स सो हमने जैसे पढ़ा कि उनके पास मसल्स तो नहीं है जिससे वो मूवमेंट कर पाए सो so ये कैसे चेंज करते सेल चेंज देयर शेप बाई चेंजिंग दी अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम रिजल्ट अब अपने अंदर जैसे पानी ज़्यादा भर लेंगे तो स्वेल हो जाएंगे एंड पानी ज़्यादा निकल जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएंगे तो इस तरीके से वो मूवमेंट हो पाती है जैसे ड्रुपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट सो इसको इंग्लिश में हम टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं एंड वैसे इसको हिंदी में अगर आप देखोगे छुई बुई का प्लांट होता है सो so, इसकी लीवस ना कुछ इस तरीके से होती है एंड द मोमेंट यू टच इट तो वो ऐसे अपीयर होती है कि वो लीव्स क्लोज क्लोज हो गया वैसा नहीं है कि आपने हाथ लगाया ये पतियाँ बंद हो गई तो, तो खत्म हो गया प्लांट ऐसा कुछ नहीं होता थोड़ी देर बाद जब वो टच हट जाता है तो वो फिर से ओपन हो जाती है बट टच मी नॉट प्लांट इस तरीके का होता है जिन्होंने देखा है मुझे कमेंट्स में बताना क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ इसको ऐसे हाथ लगाओ तो इसके ऐसे, ऐसे बंद हो जाते हैं एंड फिर विद इन हाफ हा, एनआवर या वन वो फिर से ओपन हो जाती है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ सो ये वाला जो हमने टचमी नॉट वाला देखा भाई इसमें तो ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं था अब कुछ है प्लांट में जो मूवमेंट हो रहे हैं जो ग्रोथ की वजह से हो रही है जैसे दीज मूवमेंट्स आर ट्रॉपिक मूवमेंट इसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होकर डायरेक्शन की हेल्प से ये ग्रो कर बेसिकली लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहे है डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहे हैं यहाँ पे जिनको हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोलते हैं सो वेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट अब देखो जैसे आपने ये देखा होगा इस तरीके से पे पी प्लांट जो ना उसमें ऐसा होता है कि ये क्या है यहाँ पे तो जैसे साफ सा लग रहा है इस तरीके से प्लांट होता है इसके जो टेंट्रल्स होते हैं ये इस तरीके से ऐसे राउंड राउंड होने लग जाते हैं सच्चाई है वो किसी किसी की सपोर्ट में है, कुछ टच हुआ उन पे, सो so फिर क्या होता है द पार्ट ऑफ द टेंट्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट डज नॉट ग्रो एज रेपिडली एज द पार्ट अवे फ्रॉम इट सो अब जैसे यहाँ पे ये पार्ट इससे टच हो गया सो अब इसकी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाएगी बाकी प्लांट अपना मस्त ग्रो करे जा रहा है वो जो वो ग्रो करा जाएगा कर जाएगा तो धीरे धीरे क्या करते हैं इसके अराउंड कॉइल अप क्योंकि ये पार्ट तो बहुत धीरे ग्रो रहा है एंड बाकी प्लांट बहुत फास्ट फास्ट ग्रो रहा है सो ये वाला पार्ट ऐसे 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 इसके आस पास यहाँ पे ऐसे कॉइल क्रिएट कर लेता है सो पढ़ के बता देती हूँ मैं विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रेपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रल अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट दिस कॉज देंड्रिल टू सर्कल अराउंड दी ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट सो वो सर्कल अराउंड कर देता है क्योंकि उसकी ग्रोथ स्लो हो गई है अभी किसकी वजह से हुई है ग्रोथ की एक तो एक तो डिपेंडेंट है ग्रोथ पे लेकिन वो जो टच फील हो उस टूमिलर्स के रिएक्शन में वहां पर जो है उसके अंदर सेल्स प्रोड्यूस होना बंद हो गए जो ग्रोथ करते हैं ठीक है ठीके? अभी क्या कौन से हारमोन होते हैं क्या होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है बच्चे इन्वायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज दी डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट ग्रो इन जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास एक होता है फोटो ट्रॉपिज्म आपको पता है ना ट्रॉपिक मूवमेंट कर रहे हैं सो फोटो फोटो मतलब जहां पे भी है तो बच्चे उसका क्या मतलब है लाइट से रिलेटेड है वो सो मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट इसकी भी क्या सच्चाई है अभी मैं आपको बताऊंगी जब भी आप देखोगे ना यहाँ पे आपकी बुक कहीं ही है जैसे ये प्लांट ग्रो हो रहा था ठीक है अब सनलाइट यहाँ पे आ रही है सो so हमने क्या देखा कि प्लांट जो है वो इधर की तरफ बेंड हो गया तो जब भी हम बात करेंगे फोटोट्रोपिज्म की तो हमेशा बोलते हैं कि लाइट की तरफ प्लांट का बेंड होना बट एक्चुअल में सच पता है इस केस में क्या होता है बच्चे कि जो प्लांट है ना ये हमारा क्या करता है जहां पे लाइट नहीं पड़ी जिस तरफ अंधेरा होता है ना उस तरफ वहां पे सेल्स ज्यादा बन जाते हैं एंड उसकी वजह से वो बेंडिंग होती है अभी आगे उसके बारे में पढ़ेंगे बट अभी हमें क्या याद रखना है कि फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है बेटे इसमें इसमे फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट एंड देन ग्रेविटी की बात करें तो जियोट्रोपिज्म में हमारा होता है मूवमेंट टूवर्ड या अवे फ्रॉम ग्रेविटी जैसे अगर इस तरीके से एक पॉट पड़ा हुआ है तो रूट्स ऑफ देखोगे हमेशा इस तरफ जाती है ग्रेविटी भी नीचे की तरफ होती है सो so, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक क्योंकि इसकी मूवमेंट ग्रेविटी की तरफ है लेकिन जब प्लांट ग्रो करता है अब ये ग्रो करके इस तरफ जा रहा है तो ये क्या हो रहा है ग्रेविटी नीचे की तरफ ये ऐसे अपर्ड अप जा रहे तो दिस इज नेगेटिवली जियोट्रॉफी मतलब ये ग्रेविटी के नेगेटिव साइड अपोजिट साइड जा रहे हैं ओके okay? चलो आगे इसी तरीके से दो और होते हैं वन इज नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिज्म कीमोट्रॉपिज्म में क्या होता है जैसे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ऑफ व्यूल सो देखोगे जब ये ग्रो होते ये नेचुरली इसकी ग्रोथ ऐसी है कि घूम के इस वे में ग्रो करती है ठीक है सो दिस इज कीमोट्रोपिज्म इसी तरीके से एक होता है बेटा हाइड्रोट्रोपिज्म हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है मूवमेंट टूवर्ड्स वाटर यहाँ पे रूट्स की बात होती है जैसे जो प्लांट की रूट होते हैं अगर पानी मान लो यहाँ पे अबंडेंस में है सो so रूट्स हमेशा उस तरफ को बेंड हो जाते हैं अभी हम आई थिंक इसके इन बिटवीन के क्वेश्चन है या एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे बट फैक्ट क्या है कि जब भी प्लांट ग्रोथ है मान लो यहाँ पे पानी की कमी है लेकिन इधर पानी अबंडेंस में तो रूट्स ऑटोमेटिकली इस तरफ को इस तरफ को रूट्स ग्रो करने लग जाएंगे इस तरफ को मूवमेंट होने लग जाएगा अभी सब जो मूवमेंट हमने देखे क्या देखे बच्चे वो अलग अलग स्टिमुलस की वजह से ये मूवमेंट हो रहे हैं ठीक है सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ चलो आगे बढ़ते हैं बेटा आगे हम बात करते हैं प्लांट हॉर्मोन्स अब प्लांट के भी हॉर्मोन्स होते हैं जैसे मैंने बताया था अभी ह्यूमन हार्मोन्स पढ़ेंगे हम प्लांट हार्मोन्स में डिफरेंट प्लांट हॉर्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू दी एनवायरमेंट हार्मोन्स का काम क्या है भाई ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करना डेवलपमेंट देखना एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट सो यहाँ पे चार हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे वन इज ऑक्सीजन then we have cytokinins, then we have gibberellins and we have abscisic acid. अब एक एक करके इन सबके uses पढ़ते हैं बेटा सबसे पहले है auxin. This hormone सिंथिसाइज at shoot tip. जो plant की shoot होती है उसकी tip पे ये auxins बनते हैं It helps the cell to grow longer and involved in phototropism. Phototropism याद है जिसमें हमने कहा था वो light की तरफ respond करते हैं So therefore फोर यहाँ पे क्या होता है ये जो auxin है ये grow होता है अंजू मैं बात कर रही थी ना कि ऑक्सिन हमारा एक जगह बहुत ज्यादा क्योंकि जो इस पार्ट पे लाइट पड़ रही है जो दूसरी बात है जहां लाइट नहीं पड़ी वहां पे ऑक्सिन बहुत ज्यादा बन जाता है वहां बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है इस वजह से हमारा जो प्लांट है वो बेंड हो जाता है और जब वो बेंड होता है तो वो ऐसा लगता है कि वो लाइट की तरफ बेंड हो गया ठीक है चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास जिबलिन सो इट रेगुलेट्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोसेस इंक्लूड्स इन प्लांट ग्रोथ प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है organ डेवलपमेंट एंड इन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज सो एनवायरमेंटल जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उस पर रिएक्ट करना प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ जो हो रही है ऑर्गन्स का डेवलपमेंट जैसे सीड जर्मिनेशन हो रहा है स्टेम का इलागेशन हो रहा है लीव्स का एक्सपेंशन हो रहा है टू फ्लारिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लार फ्रूट एंड सीड सो ये सारा 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 संभाल रखा है इस हार्मोन ने नेक्स्ट है बच्चे साइटोकिन cytokin. साइटोकिन की जब हम बात करें इट प्रमोट्स सेल डिवीजन सो अब जो प्लांट में सेल डिवाइड होते हैं सेल डिवीजन होता है वो हमारा साइटोकिंस की वजह से होता है दिस इज प्रेजेंट इन ग्रेटर concentration इन फ्रूट एंड सीड सो ये सीड और फ्रूट में सबसे ज्यादा होता है एंड जब हम एप्सिक एसिड की बात करेंगे ना सो so ये वैसे हमें लग रहा है सारे हार्मोन हाँ ग्रो करने में हेल्प कर रहे इलांगेट करने में हेल्प करें लेकिन जब हम एप्सिक एसिड की बात करते हैं इट स्टॉप ग्रोथ ये ग्रोथ को स्टॉप करता है इट ऑल्सो कॉज विल्थिंग ऑफ लीव वीव का क्या मतलब होता है जैसे हम देखते हैं लीव पुरानी हो जाती है एंड गिरने लग जाती है तो वो होता है एंड दे आर ऑल्सो नोन एज

हॉर्मोन्स इन टू द ब्लड सो ये जो ग्लैंड है एक एक करके डिस्कस करेंगे कौन सा हॉर्मोन है कौन से ग्लैंड से आता है वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से हमारे हॉर्मोन्स आते हैं चलो अब देखो जरा कौन कौन से यहाँ पे हैं जैसे एक मेल हो जाए ज्यादातर आप देखोगे सारे हमारे लास्ट के अगर हम दो छोड़ दें तो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है सिमिलरली पाइनियल ग्लैंड है अगेन मेल फीमेल दोनों में होता है थायरॉइड ग्लैंड है दोनों में होता है थमस है दोनों में होता है पैनक्रियाज दोनों में होता है एडर्नल ग्रैंड दोनों में होता है अब जो डिफरेंस है मेल में होते हैं टेस्टिस वो प्रोड्यूस करते हैं टेस्ट्रॉन्स एंड इसी तरीके से फीमेल्स में होती हैं ओवरीज और वो हमारी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं अभी एक के आगे आगे पढ़ के आगे आगे जाके पढ़ेंगे एक एक हारमोन के बारे में जैसे सबसे पहले है थायरोक्सिन अब आपको ना इसमें याद रखना है कि कौन सा ग्लैंड इसको बनाता है इस हार्मोन को बनाता है एंड ये कहाँ पे लोकेटेड होता है और क्या फंक्शन है हर उसमें हम ये तीन तीन चीजें पढ़ते हुए चलेंगे जैसे जब मैं थायरोक्सिन की तो यहाँ से आपको याद रखना है कौन से क्रिएट करता है थाइरॉयड थाइरोयड क्या है ये है ग्लैंड ठीक so, है सो थायरोक्सिन थाइरोयड एंड होता कहाँ है थ्रॉट सो so, टी एच टी एच टी एच यहाँ पे याद रहेगा द था ग्लैंड इज लोकेटेड इन नेक थ्रॉट रीजन तो ये हमारे थ्रॉट वाले रीजन में होता है एंड देन इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फैट्स एंड प्रोटीन इसके जो मेटाबॉलिज्म है उसका ध्यान रखता है रेगुलेट करता है उसको आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आता है दिस इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड बोलते हैं कहाँ होता है ये हमारे ब्रेन में होता है दिस ग्लैंड इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन ठीक है एंड फंक्शन क्या होता है इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाई नाम ही जब ग्रोथ हार्मोन है तो उसका काम यही होगा नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एडरलिन सो एड्रेलाइन ग्लैंड क्या होता है नेक्स्ट है हमारा एड्राइन ये कहाँ से आता है ये सेक्रेट होता है बाय एड्रिनल ग्लैंड अगेन नाम से आपको ये तो पता चल जाएगा देखिए कौन से ग्लैंड से होता है एंड ये होता क्या होता कहां है लोकेटेड अब, अब, अब आर किडनी हमारी so, किडनीज के ऊपर इस एरिया में हमारे पास ये होता है इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है देन हार्ट बीट का कार्बोहाइड्रेट्स carbo, का मेटोबॉलिज्म देखता है इमरजेंसी केसेज ठीक है सो so, ये हो गया हमारा नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इंसुलिन अब इंसुलिन कहाँ पे होता है पेनक्रियाज सेक्रेट करती है इसको एंड पेनक्रियाज कहाँ होते हैं आपको याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम बनाते थे तो स्टमक के पास हमें बनाते थे बिलो दी स्टमक बनाते थे हम पेनक्रियाज को सो पेनिया करती है इंसुलिन एंड इंसुलिन हेल्प करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करने में उसको रेगुलेट करने में ठीक है बेटा नेक्स्ट है हमारे पास सेक्स हार्मोन्स अब यहाँ पे मेल और फीमेल में ये अलग अलग होते हैं जैसे मेल की अगर हम बात करें सो इसमें होते हैं टेस्टोस्टेरॉन एंड फीमेल्स में हमारे होते हैं एस्ट्रोजन सो अगर हम मेल की बात करें ये जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय टेस्टीज अगे नाम से आपको पता चल जाएगा कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं द टेस्टीज इज लोकेटेड इन जेनिटल एरिया सो मेल में जो जेनिटल एरिया होता है वहाँ पे ये टेस्टीज होते हैं एंड ये सिक्रीट करते हैं इस हार्मोन को चेंजेस आर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी मतलब जो भी सेक्शुअल मैट जैसे हमने सिक्स सेवन क्लास में प्यूवर्टी पढ़ा था जैसे 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 आप देखोगे फेशियल पे फेशियल हेयर आ जाते हैं या जो वॉइस होती है थोड़ी सी थिकर हो जाती है मेल्स में सो ये सारे जो हमारे जो प्यूबर्टी के चेंजेस हैं ये इसी हमारे हार्मोन की वजह से हो पाते हैं सिमिलरली एस्ट्रोजन की बात करें तो ये फीमेल्स में होती है एंड दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय ओवरीज सो हमारी बॉडी में जो ओवरीज होते हैं फीमेल बॉडी में जो ओवरीज होते हैं वो सिक्रीट करती हैं एंड द ओवरीज आर लोकेटेड इन दी लोअर एबडोमन एरिया सो लोअर एबडोमन एरिया जो होता है वहाँ पर होते हैं इट चेंजेस आर अगेन अगे फीमेल में भी सेम प्यूबर्टी या सेक्शुअल मेचोरिटी किसकी वजह से आती है इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आती है ठीक है चलो आगे जाते बेटा आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन अब आयोडीन की क्या इंपॉर्टेंस है क्यों बोला जाता है जो हमारा सॉल्ट होता है वो आयोडनाइज सॉल्ट होता है क्यों होता है बेटा क्योंकि ये हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए जरूरी होता है देखो इन आयोडाइज सॉल्ट इज नेसेसरी बिकॉज आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरॉक्साइन हार्मोन सेक्रेटेड बाय जो हमारा थाइरॉयड ग्लैंड होता है वो जो ये थायरॉक्सिन हारमोन होता है वो सिक्रीट करता है एंड उसको जरूरत होती है इस आयोडीन मिनरल की नाउ थायरॉक्सिन रेगुलेट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन जी तो पढ़ के आए हैं अब वो इन सबके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है सो वी मस्ट कंज्यूम आयोडनाइज सॉल्ट विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ थाइरोड्लाइन थाइरोयड ढंग से काम करेगा तभी वो ये थाइराक्सिन हार्मोन को वो रेगुलेट कर पाएगा और वो मतलब जितना उसको अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएगा उतना ही हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा मतलब अच्छे से रेगुलेशन हो पाएगी सो so, अगर इट्स डेफिशेंसी कॉजेज अ डिजीज कॉल गोयटर सो एक गोइ्टर डिजीज जिसमें जो नेक है पूरी स्वेलनअप हो जाती है इस तरीके से सो so, ये जो डिजीज है जब आयोडीन की कमी होती है तो इस की डिजीज हो सकती है ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा आगे है हमारे पास डायबिटीज अब डायबिटीज वर्ड आपने बहुत सुना होगा नॉर्मल वे में इसको भी कहते हैं कि यार इस बंदे को शुगर है तो वो डायबिटीज़ के बेसिकली ऑल्टरनेट नेम है सो so, शुगर होना क्या होता है कि हमारा जो ब्लड लेवल शुगर है वो बढ़ जाता है सो डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज नाउ क्या कॉज करता है कॉज ऑफ डायबिटीज़ क्या है जो हम हमने देखा था हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है अगर वो जो इंसुलिन है वो इतने अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा कि वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम कर सके तब ये डायबिटीज़ होती है

ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज आप डायबिटीज के लिए क्या किया जाता है इंजेक्शन दिए जाते हैं जो बेसिकली क्योंकि हमारी बॉडी अब इंसुलिन अगर नहीं उतना बना पा रही तो आपको इंसुलिन के क्या दिए जाएंगे इंजेक्शन दिए जाएंगे जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो सके सो इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हारमोन्स कैन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज ठीक है सुनाओ आगे हम बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आर बॉडी सो अगर हमारी बॉडी में अगर कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा बन जाए या किसी की डेफिश हमने देखा इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई तो हमारे को डायबिटीज़ हो सकती है तो कोई भी अगर यहाँ पे हार्मोन है अगर वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाए बहुत ज़्यादा बन जाए या वो उसकी डेफिशियसी हो जाए वो बहुत कम हो जाए तो दोनों ही केसेस सही नहीं है फीडबैक श्योर डेट हार्मोन शुड बी सेक्रेटेड सिक्रीटेड जैसे ग्रोथ हार्मोन है अगर ग्रोथ ग्रो करते जा रहे हो कोई तो वहां मैसेज पहुंचाएगा ना कि बस यार जैसे ए, एक हाइट है हाइट मान लो वो एक टाइम के बाद रुक जाते कि, हाँ भैया इतनी हाइट अचीव होगी अब इससे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं है सो वो चीज रुक जाते तो ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि वो मैसेज पहुंचाए कि बस कर दे भाई और हार्मोन सेक्रेट करने की जरूरत नहीं है इसका एक एग्जांपल देखते हैं जैसे कि शुगर लेवल इन दी ब्लड राइजेस हमारी हमारा जो शुगर लेवल है ब्लड का वो राइज़ हुआ तो पैनक्रियास का क्या काम है इंसुलिन सेक्रेट करना तो वो क्या करेंगे ये चीज पैनक्रियास ने डिटेक्ट कर दी पैनक्रियास के सेलोन को पता चल गया कि यार ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है सिंथेसाइज़ सिंथेसिस सिंथेसाइज़ेस ऑफ इंसुलिन इंसुलिन बनाना उन्होंने शुरू कर दिया रैपिडली इंसुलिन बन रहा है बन रहा है बन रहा है अब ब्लड शुगर लेवल फॉल हो गया बंद हो गया ठीक है नॉर्मल हो गया न्यूट्रलाइज हो गया अब ये फीडबैक ये मैसेज इस तक जाएगा कि भैया बस कर दो और इंसुलिन बनाने की जरूरत नहीं है सो जैसे ही मैसेज जाएगा इट विल स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन बिकॉज क्या होगा देखो ब्लड शुगर लेवल बड़ा आपका इंसुलिन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस हुआ प्रोड्यूस न्यूट्रल हो गया अभी भी इंसुलिन प्रोड्यूस होता जा रहा है तो क्या भैया जो ब्लड शुगर लेवल बड़ा था ब्लड शुगर लेवल गिर जाएगा वो भी बॉडी को हार्म पहुंचाएगा इसलिए ये फीडबैक मैकेनिज्म जरूरी है ठीक है एग्जाम्पल फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल दी शुगर लेवल इन ब्लड जो भी हमने डिस्कस किया वही है ठीक है बच्चे सो so, नाउ विद दिस आई रियली होप कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो याद करने वाली हैं जैसे हमने ब्रेन के पार्ट्स देखे तो किसका क्या क्या काम है जब हमने हार हॉर्मोन्स का पढ़ा तो कौन सा हॉर्मोन कौन सा ग्लैंड से क्रिएट करता है कहाँ उसकी लोकेशन है ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी बट वो जैसे जैसे पढ़ोगे ना चीज़ें एक बार दो बार तीन बार वीडियो देख लेना आपको ये चीज़ें भी अपने आप याद हो जाएंगी ठीक है सो आई रियली होप चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको नाउ विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो टेक केयर And bye bye.